नमस्कार, मैं आज बैठा हूँ हमारे राजस्थान के एक बहुत ही अच्छे निर्देशक के साथ, फिल्म डायरेक्टर के साथ, हमारे प्रभु अग्रवाल जी। और इनकी फिल्में काफ़ी इन्होंने बनाया हुआ है। इनकी फिल्में आप अगर देखेंगे तो रुकमा राजस्थानी ने इनको 2016 में राजस्थान फिल्म फेस्टिवल की तरफ से बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था, जी और भी कुछ कैटेगरीज में भी अवार्ड मिले थे, सारे एडिटिंग वगैरह में, राइट? उसमें बेस्ट एक्ट्रेस का मिला था और मेकअप के लिए मिला था और स्टोरी के लिए मिला था, चार अवार्ड मिले थे उसे। और इनके बाद अभी आपकी फिल्म जयराम ददर्शी और बुढ़ापे की लाठी भी लोगों का बहुत उल्टान था। जयराम ददर्शी भी एक बहुत अच्छी फिल्म है और शायद आप यूट्यूब पे वो देख सकते हैं, बहुत अच्छी फिल्म है। और ये 2017 में रिलीज की थी और उसका काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स रहा था। उसको गंगापुर सिटी लगाया था, दर्शन लगाया था, यहाँ की राजस्थानी फिल्म थी और ये बाहर भी लगी थी, जैसे जबलपुर, नासिक, ऐसे अदर स्टेट में भी ये लगी, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। गंगा सिटी में बात बता रहा हूँ, वहाँ पर शाम का शो, इवनिंग का शो, मतलब इतना हाउसफुल जाता था, मतलब लोग जैसे उसमें गाने दे गाने, मतलब थोड़ा सा अगर देहाती के हिसाब से आपकी कल्चर है, आपका आर्ट एंड कल्चर है, तो ये कि रीजनल मैं भी कमाना बिल्कुल देहाती गाना, देहाती गाना जो एकदम, तो देहाती गाना और इतने शानदार, उसमें जो स्टूडेंट थे उस पर डांस करते थे भयंकर, मतलब जब गाना बजता था ना, जैसे ही गाना आया उसमें वो डांस शुरू। और एक बार तो इतना मतलब जो थिएटर वाला तो इतना परेशान हो गया कि भाई मैं आगे क्यों नहीं बना सकता, क्यों यार इतनी आगे इतनी भीड़ आती है और इतने मतलब कुर्सी पर चढ़ चढ़ के नाचने लगते हैं। आपको तो ये बहुत अच्छी लगी होगी और इंसान थोड़ा नुकसान हो रहा है, मतलब वो थोड़ा सा ये लग रहा था, लेकिन ये था कि हैप्पी मोमेंट था कि भाई कि इतनी मतलब भीड़ राजस्थान फिल्म के लिए और इतना उत्साह, जबरदस्त उत्साह, तो काफ़ी अच्छा इसका रिस्पॉन्स रहा इसका। अच्छा, कोई फिल्म विशेष तौर से यूथ यूथ बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब ये देखें कि भाई चलो आ रहे हैं बड़े बुजुर्ग आ रहे हैं, कोई यूनिट बना रहे हैं, लेकिन यूथ युवा उसको लाइक कर। सर, एक कोई भी फिल्म के लिए ऑडियंस मायने रखता है, और रीजनल फिल्म की जहाँ बातें करें तो एक झारखंड फिल्म फेस्टिवल है या फिर उसके बाद जयपुर फिल्म फेस्टिवल है या मुंबई फिल्म फेस्टिवल है, कोई जो अपने रीजनल फिल्म को ये लोग जब सम्मान देते हैं तो एक निर्देशक के रूप में, कलाकार के रूप में, क्योंकि आप आई थिंक कला से भी जुड़े हुए हैं, मतलब कलाकार ही आप प्लस आप अभिनय भी करते हैं, शायद आपने दो तीन फिल्मों में अपने भी अपने अभिनय भी किया हुआ है, तो ये कैसा लगता है सर, कोई अगर आपके काम को सराहे, आपको अवार्ड दे दें? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक मतलब कला है वो जैन में है, चाहे एक निर्देशक रूप में देखो या फिर कलाकार के रूप में, निर्देशक एक कला को ही दर्शाता है, निखारता है, तो दोनों ही चीज़ों में कहीं भी एप्रिशिएट होता है या अवार्ड मिलता है तो खुशी मिलती है। इन टर्म्स ऑफ हम बात करें सर कॉन्टेंट की, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ यू नो म्यूजिक, इन टर्म्स ऑफ VFX या फिर जो भी है आपका जो प्रोडक्शन क्वालिटी निकल के आता है, जो हम साउथ की फिल्म की बात करें या बाहर की फिल्मों की बात करें, रीजनल फिल्म, देखिए हर फिल्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे हॉलीवुड या बॉलीवुड रीजनल सिनेमा हो, लेकिन मेरा यह मानना है, मैंने और भी लोगों से बात किया कि जो सम्मान और जो भी प्रोत्साहन सरकार की तरफ से मिल पा रहा है साउथ की फिल्में और गुजराती या मराठी को, ये राजस्थान की फिल्मों का ऐसा पहचान क्यों नहीं मिल पा रहा है, कहाँ का मिल गया? देखो ये बात में मतलब सीधी सीधी बात होता हूँ, क्योंकि मतलब जो सरकार है वो राजस्थान फिल्मों ने बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं दिया, और जो राजस्थान फिल्म मेकर है बाने मतलब बिल्कुल भी सहयोग नहीं हो रहे, न तो मतलब गवर्नमेंट की तरफ से न और कोई की तरफ से, मतलब लोग आपका खुद का मतलब एक टीम बना और लोग आपस में मतलब जुगाड़ करके और मतलब यहाँ फिल्म बना, तो बस एक खुद का कुआं खोद पानी पियो, मतलब यही हालात है कि कहीं से भी इनको सपोर्ट नहीं मिलता, ऐसा है, मतलब इतना मतलब ज़्यादा रास्ता में इतने मतलब सरकार की तरफ से तो इतनी ज़्यादा अपेक्षित है, बहुत ही ज़्यादा, जैसे मराठी है, मराठी फिल्मों को हर फिल्म को अवार्ड मतलब जो पैसे मिलते हैं उनके, जो वो इस मतलब उम्मीद पे उनको बना लेते हैं कि पैसे सरकार से रिकॉर्ड, भाई ऑडियंस नहीं आएंगे, थिएटर से नहीं आएंगे तो सरकार से आ जाएंगे, तो ये करके पूर्ति हो जाती है। सर, एक ऐसे कहा गया कि कोई फिल्मों के लिए मतलब सब्सिडी या फिर सरकार का जो अनुदान मिले और जो सपोर्ट मिले उसके अलावा होता है, मैटर करता है सर ऑडियंस थिएटर्स तक आए, लेकिन इसकी इसमें भी इन्वॉल्वमेंट सरकार की होती है कि वो फिक्स करते हैं कि 10 स्क्रीन में 2 स्क्रीन 3 स्क्रीन रीजनल फिल्म को देना है। राजस्थान में ऐसा क्या नहीं हो पाया सर, इस मसले फिल्म थिएटर्स में क्यों नहीं जा पा रही, अगर जाएगी अच्छी कॉन्टेंट लोग जरूर आपके थिएटर में देखने आएंगे। राजस्थान में ध्यान की बात है, सरकार को छोड़ो, सरकार बिल्कुल कोई मतलब जो शो है बिल्कुल मतलब कोई फिक्स को नहीं कर रहा है, मतलब एक भी शो को नहीं। और दूसरी बात थिएटर वाला है,
मतलब हिंदी फिल्म है बिनिया लगा लेगा खाली शो चार लोग रहो, लेकिन राजस्थान फिल्म का बोलेगा मैं लगा ली तो सारा पैसा जो हिंदी को जो खाली जो शो चार पैसा भी राजस्थान फिल्म से रिकॉर्ड कर पाता। मतलब जो मतलब हिंदी फिल्म लगाने जाते हैं थिएटर में तो उसके मतलब पैसे मांगते राजस्थान फिल्म, बल्कि हिंदी फिल्म से ना मांगे लेकिन वो लेकिन राजस्थान फिल्म से जरूर पैसे मांगते हैं। इतना ज़्यादा कि उम्मीद नहीं कर सकते, जिनकी जितनी मर्जी है उनको इतने पैसे मार लेते हैं मल्टीप्लेक्स में। मल्टीप्लेक्स में तो लगाने पसंद नहीं करते राजस्थान फिल्मों में। और सर ये आपके जैसे कि राजस्थान से बहुत अच्छे अच्छे कलाकार निकले, जैसे आपके स्वर्गीय इरफान खान साहब और बहुत सारे कलाकार हैं, मैं कुछ जानता हूँ नाम भी बोल रहा हूँ, तो जैसे शामिर खान है और भी राजमीना और बहुत सारे लोग हैं, तो इन लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता है क्या लोकल रीजन फिल्मों के जो बॉम्बे में स्ट्रगल करें जो इस्टेब्लिश हो गए? देखिए वो इतना बड़ा कलाकार है तो फिर वो वहाँ बॉम्बे में उधर सेटल हो जाते हैं और फिर वह सारा पूरा बॉलीवुड के हिसाब से वहीं पर सारा मतलब वो वहीं पर हो जाते हैं सपोर्ट करते हैं। तो ये है कि जैसे मालूम नहीं मान लूँ अब मैं उनको लेना चाहूँ एक बड़े आर्टिस्ट हो जहाँ से राजस्थान से गए हुए हैं बॉम्बे में आ रहे हैं और बॉलीवुड में काम कर रहे हैं उनको मालूम मैं लेना चाहूँ तो उनकी फीस इतनी ज़्यादा होती है कि अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि अफोर्ड कर भी लें तो क्या कि आप कोई ऐसा पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं होता क्योंकि रिकवरी नहीं हो पाती, तो उनको इतनी महंगी फीस दे के आ जाएंगे लेकिन वो इतनी फीस नहीं दे पाते। अच्छा ये इतनी समस्या है जो आपके साथ चल रहा है सर, जैसे कि आपको अनुदान नहीं मिल पा रहा है, थिएटर स्क्रीन नहीं मिल पा रहे हैं, एक सही से आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, टीम नहीं बन पा रही है, और सबसे बड़ा बात है कि थिएटर में आपका फिल्म रन नहीं हो पाया सिंगल थिएटर हो या मल्टीप्लेक्स, और आपकी जो डायलेक्ट्स है जो मतलब इस रीटिंग में तो नहीं राजस्थानी जो जुबान है जो आपकी जो भाषा है तो उसके प्रति कैसे जागरूक किया जाए लोगों को, और इसमें सबसे डिफिकल्ट क्या लगता है? देखो जागरूक तो मतलब आई बात है कि तो मतलब जो राजस्थानी फिल्म है वो तो मतलब राजस्थानी में बनाए हुए भाषा पर राजस्थानी भाषा को मतलब एक तरह से मतलब मान्यता को मिली सरकार जैसे सरकारी काम काज में या एक भाषा काम ली जाए जैसे गुजरात में महाराष्ट्र में मराठी तमिल में तमिलनाडु में उसकी भाषा तो लैंग्वेज रिटन है ना सर, आपकी राजस्थानी तो बोली हुई ना रिटन बोली है मतलब बोली कैसे तो वो सरकारी भी करे उसको शामिल उसे मतलब भी अनुसूचित शामिल करे तो पॉसिबल है। हाँ तो मे भी हो सकता है मतलब स्कूलों में पढ़ाई जाए सिखाई जाए तो रिटर्न में तो है लेकिन उसको मतलब इन पढ़ाई बन जाए तो दिक्कत आए। हाँ क्योंकि देखिए जो डायलेक्ट्स होते हैं जैसे बहुत सारे डायलेक्ट्स जैसे नागपुरी है नागामीज है बहुत सारे ऐसे डायलेक्ट्स जो बोले जाते हैं लिखे नहीं जाते, लेकिन आपकी बात सही है कि जो जगह जगह पर जहाँ पर कार्य हो रहा है वहाँ लोग हिंदी या इंग्लिश में बात करते हैं भाषा में बातें नहीं कर पाते चाहते राजस्थानी भाषा भी मतलब लिखित में है लिखित में है पढ़ाई स्कूलों में बोल पढ़ाई जाए अच्छे से तो मतलब नई पीढ़ी है अब सीखी कौन पा ये बार माँ का बच्चा है तो वह मतलब हिंदी बोल रहे राजस्थान कौन बोले क्योंकि मतलब स्कूल में पढ़ाई बन जाए स्कूल में काम कौन ले स्कूल में तो हिंदी की बजाय इंग्लिश में ज़्यादा तवज्जो दे ठीक है दिक्कत में मैं समझ रहा हूँ सर। और ये बताइए कोई भी जितनी समस्याएं हैं हर जगह चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो आप उठा लीजिए फिल्मों की साउथ की या फिर वेस्ट की या फिर बॉलीवुड संस्थाएं यहाँ पे बहुत रोल प्ले करती है आपका हक लड़ने के लिए सरकार से कम्युनिकेशन बनाए रखने के लिए अपने मांग को देने के लिए मांग पत्र देने के लिए तो यहाँ के जो एसोसिएशन है और उनका क्या कार्य कुछ कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं इसे डालेंगे बिंदु सर। एसोसिएशन मतलब है लेकिन इतना कोई बड़ा कार्य बहुत नहीं है आपको शुभकामनाएं किस पे काम हो रहा है फिलहाल कुछ फिल्में हैं मतलब बैकग्राउंड में लेकिन अभी उजागर नहीं करेंगे लेकिन समय आने भी करेंगे फिलहाल तो उजागर नहीं करेंगे। अपने दर्शकों के लिए क्या मैसेज देंगे सर? ऑडियंस वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई सिनेमा को आगे बढ़ाने की किसी भी सिनेमा को आगे बढ़ाने के लिए राजस्थान के लोगों के लिए आप क्या संदेश देंगे आपकी फिल्मों के राजस्थानी फिल्मों को ऑडियंस फिल्मों के लिए मतलब राजस्थानी फिल्म जो फिल्मों के दर्शक है राजस्थानी सिनेमा दर्शकों को कहना चाहूँगा कि वो राजस्थान फिल्मों को देखे उनको बढ़ावा दे उनसे जुड़े हुए लोगों को सपोर्ट करे और मतलब उसको अधिक से अधिक जाए जब लगे तो।
जी संदेश हम राजस्थानी फिल्म के अच्छे देखेंगे, हम अच्छी मतलब बढ़िया बनाने की कोशिश करेंगे, अच्छी क्वालिटी बनाने की कोशिश, क्वालिटी कंटेंट मिलेगा और डिफरेंट वैराइटीज मिलेगी जिससे जॉनर फिल्म में कंपनी। तो असल आने वाले समय में आपको हिंदी फिल्म की भी तैयारी कर रहे हैं क्योंकि हिंदी फिल्म पूरे इंडिया में देखी जाती है, उस तरह तैयारी है कोशिश क्या करें। हम राजस्थान के बहुत मशहूर फिल्म निर्देशक कलाकार प्रभु जवाल जी के साथ बात कर रहे थे, उनके गाँव सिरका में सिक्का में बात कर रहे थे, ये सर से 17-18 किलोमीटर दूर है और उनसे बात करके हमें बहुत सारे राजस्थानी फिल्मों के बारे में, यहाँ की कला और कल्चर और बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी हुई। तो आपसे हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद सर, हम अगर